रक्षित रहे घर परिवार। कौन हो जी? सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। मद्य निषेध अभियान को लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, खबर विस्तार से। मद्य निषेध अभियान को लेकर पूरे बिहार में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में बाल विकास परियोजना कार्यालय झंझारपुर में भी महिला पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मद्य निषेध जागरूकता रैली निकाली। प्रखंड कार्यालय के सामने महिला पर्यवेक्षिका ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली प्रखंड कार्यालय से लंगरा चौक झंझारपुर तक भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सेविकाओं द्वारा नशा मुक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के नारों, जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश, खुद को जगा दो, नशे को भगा दो, नशे का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। उक्त रैली में पूरी तरह नशा मुक्त बिहार बनाने का संदेश दिया गया। वहीं प्रखंड कार्यालय परिसर में रंगोली भी बनाई गई और प्रांगण में सभी सेविकाओं ने शपथ लिया। रैली में विभा कुमारी, तनवीर आलम, पूनम कुमारी, परियोजना के सभी सेविकाएं शामिल हुई। वहीं रैली में उपस्थित सेविका मंजू, मुद्रिका, ममता, रीता व अन्य ने बताया कि इस जागरूकता रैली के अलावा सभी सेविकाएं अपने अपने वार्ड में भी जागरूकता रैली, दीवार लेखन, मेरी प्रतियोगिता, रंगोली और चौपाल का आयोजन करके मद्य निषेध अभियान को सफल बनाने में लगी हैं। देखिए यह वीडियो। प्रांगण झंझारपुर, सत्य निष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ अथवा न रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्यवाही अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाता हूँ तो नियम अनुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। जय हिंद, जय भारत। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।